वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल लंबे हैं और जवाब छोटे हैं, ये वाकईतन दुरुस्त बात है, क्योंकि शायद जवाब देने को वो कुछ नहीं है, खुशी नहीं है, वो जज्बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर तबाही होती है या पाकिस्तान के लोगों की तबाही होती है तो यकीनन कोई खुशी से उसका इजहार नहीं करेगा। ये राणा साहब मुझे कह रहे थे कि आप सवाल बहुत लंबे करते हैं, जवाब छोटे, तो मैंने, मुझे अंदाज़ा है राणा साहब ये तकलीफ, मैं ज़ाती तौर पे भी नहीं चाहता कि ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जिससे पाकिस्तान की भी बदनामी हो। जी शराज साहब, देखिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर अंग्रेज़ों, जब यानी मुग़ल दौर ख़त्म हो रहा था और अंग्रेज़ यहाँ पर साजिश के ज़रिए कब्ज़ा कर रहे थे, अगर अंग्रेज़ों की जगह हुकूमत तहरीक इंसाफ को उस वक़्त मिल जाती तो ये कहते कि मुग़ल शहनशाह ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया था, उसे तबाह बर्बाद कर, शहजादा सलीम की और अकबर की लड़ाई ने नुकसान जी बिल्कुल। इसी तरह अगर क़याम पाकिस्तान के मौके पर तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिल जाती तो ये कहते कि अंग्रेज़ जो हैं तबाह बर्बाद करके चले गए, खा पी के लूट मार के, अब हम क्या करें, ख़जाना खाली है। तो बात यह है कि अभी 3 साल हो गए हैं, वो जो पहले 90 दिन कहते थे, फिर 6 माह कहते थे, फिर कहते थे 1 साल, अब वो कहते हैं कि हमें 15 से 20 साल का टेन्योर दो तो फिर हम इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। पहले वो कहते थे कि जनाब हमारे पास 200 माहिर मईशत हैं, माशियात के माहिर हैं, बाद में उसका एक लतीफ़ा भी है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता कि वो माहिर माशियात जो थे वो क्या निकले। बहरहाल हमने मुख्तलिफ टीवी कवरेजेस में देखा कि सुबह खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर हैं, लंबे बालों वाले, जो असेंबली में हुल्लड़बाजी में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अली अमीन क्या क्या शहद वाले जी, शहद वाले जी, तो उनके पास से क्या क्या निकला, तो मईशत नाम की तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कुछ और चीज़ें बाहर निकलती रहती हैं, इस्तेमाल भी होती रहती हैं। देखिए वज़ीर आज़म साहब ने मुतअद्दिद मौक़ों पर ख़ुद इस बात को तस्लीम किया कि उनका होमवर्क नहीं था हुकूमत में आने से। वो पहले कहते थे कि 26 साल की जद्दोजहद है, चीज़ें हमारे टिप्स में हैं और हम इस मुल्क की काया पलट देंगे। नाकामियों का इतराफ़ करते करते उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने इस कदर झूठ बोले हैं कि कभी उन्हें इस झूठ पे नदामत भी हो, उनको तो बल्कि माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी कौम से। जब वो कहते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा होमवर्क है और अब कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था काम करना क्या है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे, मेरे और आपके टैक्स के पैसे के एक्सपेंस पे वो ड्राइविंग करना सीख रहे हैं, वो अपने हाथ सीधे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये अफसोसनाक अमर है। इन 3 सालों में मुल्क जो है इक्तसादी तौर पे बहुत पीछे चला गया। एक बड़ी दिलखराश बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बजट से पहले IMF के हुकाम के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हुकाम की मीटिंग हो रही थी दुबई में, तो पहला 1 घंटा वो मीटिंग चलती रही और पाकिस्तान का जो वफद है वो उनसे रियायतें लेने के लिए मिन्नतें करता रहा, वो लोग तंग आ गए और उन्होंने वो मीटिंग जो है कैंसिल कर, थोड़ी देर के लिए मुलतवी की, उन्होंने कहा जी टी ब्रेक जी। टी ब्रेक में उन लोगों ने जो कुछ कहा, मैं समझता हूँ वो इस हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम था। उस वक्त में पाकिस्तानी वक्त में एक साहब शरीक हैं, ये उन्होंने बयान किया, उन्होंने कहा कि IMF के उहदेदारों ने हमसे कहा कि आपका लिबास हमसे बेहतर है, आपके हाथों पर जो रिस्क वॉचेज हैं वो बहुत कीमती हैं, आप दुबई के जिन होटलों में क़याम पज़ीर हैं वो उस होटल की नस्बत कई गुना महंगे हैं जिसमें वो लोग ठहरे हुए हैं, और जिन गाड़ियों में सवार होकर आप यहाँ मीटिंग पॉइंट पर आए हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं, हमें तो ये लगता है कि हम आपको इमदाद देने नहीं, आप हमें इमदाद देने आए हैं, तो आप रियायतों की बात करते हैं, आप सबको तो शर्म आनी चाहिए। तो वफ्द के उस मौजे मेंबर का कहना है कि हमें इस मौके पर जो शिकस्त हो गई गुफ्तगू में, टेबल टॉक में, जो हमें नदामत उठाना पड़ी, उसके बाद हम कुछ कहने की पोजीशन में नहीं थे, ठीक है। लिहाजा IMF ने अपनी टर्म्स के मुताबिक बजट दिया है, उस बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी। अच्छा नहीं, थोड़ा सा मुझे ये बता दें ताकि राणा साहब से भी पूछूं कि ये जो गिरवी रखी जा रही है तो क्लियर कट एक देखें, कुछ चीज़ें होती हैं खुफिया, ये ओपन एंड शट मामला है कि जी वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है काबीना में बैठ के कि मोटरवेज और एयरपोर्ट्स जो हैं वो गिरवी रखे जाएं। देखिए अभी राणा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि झूठ बोल बोल के ये लोग थके नहीं, यहाँ बम्पर क्रॉप का बहुत जिक्र हुआ, इसी कैबिनेट मीटिंग में जिसका आप तस्करा कर रहे हैं उसी में के 10 लाख टन गंदम मजीद मंगवा ली जाए जी, ठीक। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, कह रहे थे कि जनाब गरीब आदमी पे इस बजट में जो रिफॉर्म्स
अपने तौर पर रिफॉर्म्स इसको कहते हैं दी जा रही हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्लोर मिलों ने हड़ताल की कॉल दे दी थी, आज उनके पांव पकड़ के हाथ पांव जोड़ के तो उनसे रिलीफ लिया गया है। आटा महंगा हो चुका है, रोटी जो पिछले दौर में 5 रुपए की थी इस वक्त 15 रुपए की हो चुकी है, अच्छा और उसका भी वजन पूरा नहीं है, मिलावट अपने उरूज पे है। ठीक, रिश्वत ठीक। का जो रेट है वो आपके सामने है। बिल्कुल अच्छा राणा साहब, ये जिन मोटरवेज जिन पुलों के खिलाफ बातें की जाती थी, ये मैं बार बार सवाल इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये मेरे कप्तान जो हैं जनाब मोहतरम किबला इमरान खान साहब, इमरान अहमद खान साहब, इन्होंने बार बार हमें, मुझे लगता है आपको नियाजी कबीले से कोई खास ज्यादा मोहब्बत है, उनका नाम लिया करें ना जी, वो नियाजी उन्होंने मना किया हुआ है, मैंने कहा पहले 2 केस भुगत रहा हूँ, एक और हो जाएगा। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दें कि राणा साहब ये जो मोटरवेज के खिलाफ जिनके बात की जा रही थी, अब उनको गिरवी रखने से पाकिस्तान की बचत की बात की जा रही है, पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ की बात की जा रही है, ये वही वजीर आजम है जो धरने में कहा करता था कि नवाज शरीफ इनको बेच चुका है पाकिस्तान को, गिरवी रख चुका है, पाकिस्तान के पल्ले कख नहीं। रान साहब थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा, कभी वो कहते हैं हम न्याजी हैं, कभी वो कहते हैं हम बरकी पठान हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। कहते हैं हमें इमरान अहमद खान कहा जाए। शमी साहब बात बड़ी सीधी है, जब मियां नवाशी साहब ने लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे की बुनियाद रखी थी तो उस वक्त भी बातें हुई, ठीक है अपोजिशन जो भी हो उसका रोल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब प्योर पार्टी की गवर्नमेंट आई तो हमारे उस मनसूबे को रिड्यूस किया गया लेकिन ख़त्म ना किया गया। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आती है 1997 में 1998 में, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इनॉग्रेशन भी मियां नवाशी साहब करते हैं और वो पाकिस्तान की शनाख्त और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे कीमती असासा और विरसा बन चुका है। ठीक। और ये वो है लाहौर से मोटरवे के जो जंगी हालात में इंडिया के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्तेमाल करते हैं एमरजेंसी F-16 यहाँ पे आप उतारते हैं। मैं समझता हूँ कि जहाज़ों का उतरना और फिर इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक असासा बनना, ये नवाज शरीफ की ही फहमो फरासत थी। और आज देख लें कि मियां नवाशी साहब अगर लाहौर से कराची मोटरवे अब बनाते हैं जिस पर सफ़र हो रहा है, और लाहौर से बहावल नगर मोटरवे बनता है, लाहौर से सियालकोट मोटरवे बनता है, तो ये नलायक, ये कंटेनर माफिया, ये अली बाबा 40 चोरों का टोला, ये पूरी दुनिया से आए हुए लटेरों का जो ग्रुप है, कहाँ है वो जुल्फी बुखारी, अरबों रुपये की दहाड़ी लगाकर कहाँ है वो WHO का मुलाजम डॉक्टर जफर मिर्जा, जिसको मेरे पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर की सीट पे भर्ती किया गया, और जब कोविड आता है तो वो अरबों रुपए की दिहाड़ी मास्क और दिगर चीजों पर लगाकर गायब हो जाता है, और फिर इमरान नियाजी ने जाती मुलाजम डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो उसके जाती मुलाजम थे, जाती मालिक थे, उसको मिनिस्टर की सीट पर भर्ती कर लिया है। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि ये आज एयरपोर्ट और मोटरवे गिरवी रखकर पाकिस्तान को दिवालिया करने के अपने फार्मूले की तरफ रवानगी है। अच्छा ये बात है। और मैं कहना चाहता हूं हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की क्यादत में और तमाम 22 करोड़ हुब्बे वतनों के साथ मिलकर इस पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। आज हमें यह क्या दर्श दे रहे हैं कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो फिर हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरत नहीं। इमरान नियाजी तुम कौन होते हो यह फैसला करने वाले? यह पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने फैसला किया था जब 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए थे, तो फिर उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाशी साहब, अस्करी की आदत और पाकिस्तान के एंकर्स, मीडिया पर्सन जो ऑनरेबल शहरी हैं, ये उनका फैसला था कि भूखे रहेंगे जो कुछ मर्जी होगा लेकिन हम पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएंगे। तो फिर 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना, हमारे ऊपर पाबंदियां लगी और उस वक्त से लेकर मियां नवाज शरीफ इसी चीज की सजा भुगत रहे हैं। और दूसरे हमने CPAC मनसूबे बनाए, हमने तो 10,000 अरब कर्जे लिए, तो एक रुपए का हिसाब बिल्कुल तमाम डिपार्टमेंट्स के पास है, लेकिन इमरान ने अजीब बताया कि 1300 अरब का डाका मारा 3.5 साल में और वो 1300 अरब कहाँ है? डबल ट्रिपल। और जो 500 अरब की डेली करप्शन नियाजी कहता था कि ये सिविल नाफरमानी का पाकिस्तान की कौम को पैगाम देने वाले, आज इमरान नियाजी बताएं जब खुद कहते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है, तो खान साहब आपने 108 110 रुपए से आप 158
आप 160 170 68 रुपए तक लेके गए हैं, तो फिर आप चोर नहीं, आप तो डाकू ठहरे और कौम को सजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान का रुपया आपने 40% डीवैल्यू कर दिया है, आज पाकिस्तान की आवाम रो रही है। और कर्जों में जो इजाफा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये कहते हैं कि गंदम ज्यादा पैदा हुई, अच्छी बात है, ठीक है। ये कहते हैं गन्ना ज्यादा था, चीनी ज्यादा पैदा हुई, तो फिर नलायको फिर चीनी और गन्ना पाकिस्तान के अंदर दरामद क्यों करते हो, फिर इंपोर्ट क्यों कर रहे हो नलायक लोगों, एक्सपोर्ट करो, फिर वो एक्सपोर्ट करो। यही वजह है कि आज हमजा शबाशी साहब की पेशी थी, इमरान न्याजी तुमने NRO ले लिया जांगी तरीन एंड कंपनी से, और वो राजा रियाज ने कह दिया, और FIA उनको क्लियर करते हैं जिनको 3 अरब रुपए दिए जाते हैं, और शबाशी साहब को कौमी असेंबली में अवामी तकरीर करने के जुर्म में, और हमजा शबाज को सूबे में तकरीर करने पर उनका, आज उनको बुलाया हुआ था 24 आज FIA के दफ्तर में हम लोगों को भी अंदर, MPs MNA ने हमारे एक्स वुजरा को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, इस तरह कर्फ्यू लगा हुआ था इमरान ने। अच्छा सर, अपना जनाबे मोहतरम शराइ साहब, एक शख्स हमारे बहुत साफी है, दोस्त है हमारा, और उसने कल एक बड़ा जुमला मजदार बोल दिया। उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि नवाज शरीफ अगर चोर होता तो चौकीदार से फड्डा ना करता। ज़रा इसमें ज़रा थोड़ी सी मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए। जी ठीक है, उनके अपने ख्यालात हैं और उन्होंने जिस पैराए में ये कहा है कहते जी मसलियत करता फड्डा ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए खान साहब के बारे में तो अब कोई भाम रहा नहीं, कंटेनर पे खड़े होके वो जो बातें किया करते थे जो बड़ी दिल को खुश करने वाली थी, काश उनमें से किसी एक पर अमल करते। इस वक्त उनके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है, वेरी सॉरी टू से, जो उम्मीद उन्होंने दिलाई थी वो सारी फॉल्स थी, वो सब झूठ था। आज वो कहते हैं कि इकतदार में आने के लिए मुझे इलेक्टेबल्स भी चाहिए थे, लिहाजा मैंने समझौता किया। जिनको वो कहते थे कि ये चोर थे ये डकैत थे, उनको वो रिलीफ भी देते नज़र आते हैं। डबल मेयरिंग स्टिक्स हैं, एक मेयरिंग स्टिक नहीं है आम आदमी के लिए, उनके पास कानून मुख्तलिफ है, और अपने ख़ास लोगों को बचाने के लिए और ज़ेर अताब लाने से उनको महफूज रखने के लिए उनके पास एक और कानून है। ये बड़ा आइडियल केस था चीनी वाला और आटे वाला और पेट्रोलियम माफिया को लगाम देने वाला, लेकिन खान साहब बुरी तरह ट्रैप्ड, लोग कहते हैं कि वो ट्रैप्ड हैं, मैं समझता हूँ नहीं, वो पार्ट एंड पार्सल है, ये एक ही ग्रुप था ना जी। प्राइम मिनिस्टर कैसे ट्रैप हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा अहदा है, साहिब इख्तियार होता है, अगर वो विजनरी है तो सोच समझ के अपनी टीम को मुंतखब करता है। यहाँ थोड़ा सा ये भी बता और फिर मैं खान साहब की उसी बात को, वज़ीर-ए-आज़म जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो वो अल्फाज का चुनाव स्टेट्समैन के तौर पे करता है, ना कि कोई अपना गली मोहल्ले की जुबान इस्तेमाल करता है। देखिए ये कहने पे वो मजबूर क्यों हुए कि रिपोर्ट नहीं है, मर्द हैं, क्या हम जानवर हैं, क्या ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हम कोई खुदा न खास्ता, क्या हम कुछ जानवरों की तरह औरतों को देखते फिरते हैं? देखिए इमरान खान साहब का खवातीन, ये तो आप पे भी अटैक है शराइ साहब। जी जी बिल्कुल दुरुस्त का, उनका खवातीन के मामले में जो रवैया है वो बड़ा मुख्तलिफ है। माजी में जब इख्तदार में नहीं थे तो खवातीन के मामले में उनके मामलात जो हैं कुछ और थे, उसके क्लिप्स भी मौजूद हैं, फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं, और आज वो चूँकि अब किसी और के ज़ेर असर हैं, अब वो एक रूहानी शख्सियत के तौर पे अपने आप को कौम के सामने पेश करना चाहते हैं, तो इस वक्त वो और किस्म की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ दोनों बातों में उनके नज़दीक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत कोई नहीं, कोई तीसरी सिचुएशन अगर खुदा न खास्ता सामने आएगी तो उनका एक तीसरा बयान सामने आ जाएगा। उनकी बातों में पुख्तगी नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो आज भी उतने ही मैच्योर हैं जितने क्रिकेट के आगाज़ के ज़माने में मैच्योर थे। उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है और गुस्से के बारे में कहा जाता है कि गुस्सा अकल को खा जाता है। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा जनाब, गुस्सा अकल को खा जाता है। शहबाज शरीफ साहब, जनाब राणा साहब, वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में कौमी यकजहती के फ़रोग के लिए अपने बड़े भाई के पाँव भी पड़ने के लिए तैयार हूँ। उनको जनाब जाने नहीं दिया जाता, क्या खौफ था इस हुकूमत को कि अगर वो चले जाते, नवाज शरीफ से मिल जाते तो मिलने चले जाते तो क्या होता, उसका नतीजा क्या निकलता?
सर, मेरा ख्याल है कि जो पांव वाली बात थी वो ये कह रहे थे कि जो मौजूदा इश्यूज हैं, अगर कोई ये समझता है कि मियां नवाज़ी साहब जो है पाकिस्तान की आवाम से दूर हैं तो वो दूर नहीं है, वो पाकिस्तान के आवाम के साथ हैं। ठीक है, और इस इशू पर मैं उनके साथ जो इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है उसमें उन्होंने बात की थी। और मैं एक बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मियां नवाज़ी साहब के वालदे मोहतरम मियां शरीफ साहब जिंदा थे या वालदा, तो दोनों भाई ऐसे ही होते थे अपने वालदैन के सामने कि जैसे सर झुका के खड़े होते बिल्कुल थे, ऐसे ही और आगे आर्गुमेंट को नहीं होता था। और मैं समझता हूँ कि मियां शरीफ साहब की फौतगी के बाद मियां नवाज़ी साहब को शबाशी साहब वालद का दर्जा भी देते हैं, बड़े भाई का भी दर्जा देते हैं, और लीडर और कायद का भी दर्जा देते हैं। इसलिए मर्ज करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्यार मोहब्बत में बात की थी, और ये शबाशी साहब जो काम कर रहे हैं अवामी इशूज़ की बात जब करते हैं तो फिर न्याजी साहब को प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों भागना चाहते हैं इमरान न्याजी साहब मुल्क के अंदर, जो 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 जुल्फी बखारी को भगा दिया है और जफर मिर्जा को भगा दिया है और शेख हफीज को भगा दिया और अपना बैग भी तैयार किया हुआ है? आप जरा ईमानदारी से एक बात कीजिएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह से दोनों, क्योंकि टीवी पे बहुत बात हो रही है, मीडिया पे बहुत बात हो रही है, प्रिंट मीडिया में भी लिखा जा रहा है कि क्राउड पुलर जो है वो नवाज शरीफ है और उनकी बेटी मरियम है। वो देख भी लिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह इतना काम किया उन्होंने, मैं तो कम से कम उनके काम के हवाले से अज़र वज़ीर आला उनका बड़ा मौत के दूं। इसके हवाले से हमने देखा वो पब्लिक पजीराई अवामी रश उनकी पेशी पे हमने नहीं देखा नहीं। और ये हमजा साहब के साथ भी ऐसा ही है नहीं। मरियम जब निकलती हैं तो क्राउड होता है उनके साथ नहीं। ये फ़र्क क्या है? जो आपने बात की इसमें कोई दो राय नहीं कि मियाँ नवाज़ी साहब ही मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं और वही शहबाज साहब मरियम बीबी और हमजा के लीडर भी हैं, भाई भी हैं, वालिद भी हैं, ताया भी हैं। लेकिन एक लीडर को लीडर का दर्जा देना और अंडर द सुपरविजन काम कर लीडरशिप के काम करना, ये एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये अल्हम्दुलिल्लाह है, और मैं CWC का मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हूँ। लेकिन कल एक फर्क देखा हमने सर, मैं अर्ज कर दूं जरा फर्क क्या देखा कि जो ही शहबाज शरीफ साहब को नोटिस होता है, जो ही हमजा शहबाज को नोटिस होता है, तो शेरनी जो है वो किछार से बाहर आती है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पजीराई मिलती है। ये मैं फर्क बता रहा हूं। मैं समझता हूं कि जो मरियम बीबी ने कल जब हेरिंग थी इस्लामाबाद और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको पजीराई मिली है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बड़ा क्लियर है, और मियां नवाज़ी साहब ही लीडर हैं, और मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी भी इस चीज़ डिसिप्लिन की पाबंद हैं कि जो मियां नवाज़ी साहब की फाइनल डायरेक्शन है और उसके बाद शबाशी साहब की। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि PDM में एक दरार आई, लेकिन एज ए अपोजिशन लीडर शबाशी साहब ने अपना रोल प्ले किया ताकि पार्लियामेंट अपना एक्टिव या इफेक्टिव रोल प्ले करे। और गवर्नमेंट जो है, कभी हिस्ट्री में हुआ कि कभी भर्ती होने वाले वजीर जो हैं वो अपोजिशन लीडर को तकरीर ना करने दें और तबला बजा रहे? ये पहली दफा हुआ है 73 साल में। इमरान न्याजी के वुजरा, उनको कहा गया था कि जिसने कम नारे लगाए, जिसने कम बदतमीजियां की या गालियां निकाली, उसको फर्क कर दिया जाएगा। ये है फर्क हमारे और शराइ साहब, आपको पता है ना कि फारूक एच नाइक और ख्वाजा आसिफ दोनों खालाजाद हैं। यू नो वेरी वेल, आपको पता है फारूक एच नाइक जो हैं वो जरदारी साहब के कितने करीब हैं? जी, बड़े करीबी जी। और इसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जरदारी साहब काबिल एतमाद, काबिल एतबार शख्सियत नहीं है। ये उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था ना सर? जी बिल्कुल कहा था। आज मुझे बता दें कि जो स्पेस जरदारी साहब को मिल रही है या जिस तरह से वो एक्टिव कर रहे हैं काफली के साथ मिलके, उसमें आपको लगता है कि जी नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ की सारी की खबर होती है और वो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए इन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं इनसे? देखिए, नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक सियासी सोच का ताल्लुक है, वो एक मैच्योर सोच है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बड़ा तवील तजर्बा है, ज़माने का बड़ा सरगर्म उन्होंने देखा है। वो अच्छे बिजनेस मैनेजर भी रहे हैं और एक पॉलिटिकल मैनेजर भी हैं। देखिए, इस वक्त जो सिग्नल नज़र आ रहे हैं वो ये है कि जरदारी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। पंजाब का उनका विजिट है, चौधरी परवेज लाई से उनकी मुलाकात है, काफ लीग उनकी एलाई भी रही है माजी में, वट्टू साहब शामिल हो चुके हैं, एक और जनरल साहब अब्दुल कादर साहब जिनका ताल्लुक, और एक और लफ्ज़ सुन लीजिए कि कहलवाया गया जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, मैसेज दिया गया इमरान खान साहब को
कि अगर तुम खुर्शीद शाह के बेटे को अंदर करेगे तो मैं तुम्हारे बेटे को अंदर करूंगा। ये सर एक बहुत बड़ा वो उस पेशखैमा है आने वाले दिनों का। जी मुझे तब्दीली की जो लहर है जी वो नज़र आ रही है और तैयारियां भी नज़र आ रही हैं अगले सेटअप की। अब ये भी कुछ कहना काबिल वक्त होगा कि ये कौन आएगा, किस तरह से नहीं, इलेक्शन के नतीजे में होती है तब्दीली या कोई और एडहॉक अरेंजमेंट होता है, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि तवील तरीन फ्लॉप 3 साल गुजारने के बाद तहरीक इंसाफ जो है अब उसकी रुखसती का जो जहाज है वो लैंड करने वाला है, बस फ्लाइट जो है अब वो तैयार है। अच्छा किसी का जहाज। अच्छा ठीक है, प्रोग्राम का चूंकि इख्तिताम हो गया तो राणा साहब चंद जुमले आप। सर देखना मसाके जमहूरियत हमने किया था ना तो फिर 2008 में हमने गवर्नमेंट भी बनाई थी और गवर्नमेंट हमने मरकज को देकर 60-40 का फार्मूला, लेकिन जब सदारत का फैसला होना था तो फिर जरदारी साहब ने कहा था कि वो कुरान पाक के मतलब जो उनके उन्होंने कहा था ये कोई सहीफा नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता चाहता कि जो जो अब भी पीडीएम में हुआ जो गिलानी साहब की सीट है हमने तो वोट उनको दिए हैं, लेकिन एज ए अपोजिशन लीडर वोट उनसे लिए गए हैं। इसलिए जो बात मरियम बीबी ने गालबन 6 माह पहले की थी कि इमरान नियाजी अब अपना अपनी सोचो तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, ठीक है, उन्होंने नया मेहमान ढूंढ लिया है, इसलिए हमें इल्म है। लेकिन हम आवाम के साथ खड़े, हमें गवर्नमेंट इन लोगों की या किसी की दी गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें आवाम की गवर्नमेंट चाहिए। मरियम ने कहा था कि नई सिलेक्शन हो गई है और ये 6 माह पहले कह दिया था, अगर हमने गवर्नमेंट ही किसी से लेनी हो तो फिर हम उनके साथ बैठ जाए। इमरान नियाजी तो फारिग है, आज जाए या कल जाए, एक ही वो आखिरी मार्का करना जा रहा है कि ई वोटिंग डिजिटल वोटिंग हो जाए, ओवरसीज वोटिंग। और जो वो सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में करने का मंसूबा बनाया हुआ है, नाकाम होगा, कामयाब किसी सूरत नहीं होगा। शिराजी साहब, जनाब राणा अरशद साहब, अपने नाज़रीन राणा साहब की भी गुफ्तगू सुनी, जनाब नासिर शिराजी साहब की भी सुनी, यकीनन हमने कोशिश की है कि तमाम जो मामलात हैं जो करंट अफेयर्स हैं उनका अहाता किया जाए, लेकिन कोई ना कोई मौजू फिर भी बच जाता है अगले दिन के लिए, इंशाल्लाह इसके ऊपर कल बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, एक शेर है वो हमारे वज़ीर आज़म की नज़र करता हूँ कि वो पेड़ जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, वो पेड़ जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी हों मोतबर नहीं होते। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी, मेरे मेहमान नगरामी और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।